सुप्रभात छात्रों, सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब? हाँ, आप सब मज़े में हैं, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल की ओर से कल से आपको ऑनलाइन एजुकेशन जो मिल रहा है, और ऑनलाइन एजुकेशन से आप सभी उसका आनंद ले रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता है ना? तो ऐसे ही आपको हमारा साथ देना है। बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे एक थॉट लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। देखिए, अभी हमारी स्कूल की ओर से, हमारी पाठशाला की ओर से आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है, तो सारे टीचर, सारे अध्यापक आपके लिए आपको सिखा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी काम क्या बनता है? सारे टीचर जो बता रहे हैं वो बात सुनना, और टीचर ने अगर कुछ लिखित कार्य दिया तो उसको पूरा करना। तो करेंगे ना आप हमको मदद? हाँ करेंगे, शाबाश। तो छात्रों, इसके पहले तासिका में हमने क्या सीखा था? हाँ, हमने सीखी थी वर्णमाला। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, हमने क्या सीखा था? वर्णमाला। तो वर्णमाला में भी पता है आपको, हमने 11 स्वर देखे, 33 व्यंजन देखे और 4 संयुक्त व्यंजन देखे। तो छात्रों, आपने क्या किया था? सबसे पहले अपनी रूली, यह पाठ्य पुस्तिका निकाली थी। यहाँ पे देखिए, यह रूली, यह पाठ्य पुस्तिका है, और यहाँ पे हमने रूली में पहला लेसन, मतलब एक नंबर का जो पाठ है, वह हमने सीखा था। आओ वर्णमाला दोहराए, पृष्ठ क्रमांक 9। दिखाई दिया सबको? हाँ। किसके किसके पास बुक्स हैं? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो चलिए देखिए आगे के पन्ने पे क्या है। पृष्ठ क्रमांक 10 पे है, वर्णमाला पूरी कीजिए। यहाँ पे देखिए, स्वर और व्यंजनों का अधूरा लेखन हमको कंप्लीट करना था, यानी उसको पूरा करना था, क्योंकि उन्होंने कुछ स्वर दिए थे और कुछ व्यंजन दिए थे, कुछ स्वर नहीं दिए थे और कुछ व्यंजन भी नहीं दिए थे। उनको हमने क्या किया? कंप्लीट कर दिया लिख के। वेरी गुड, आप सबने किया है ना? हाँ, आप सबको करना है, जो जो मैं आपको बोलती हूँ वह आपको ज़रूर पूरा करना है, क्योंकि जब हमारी स्कूल शुरू हो जाएगी तो मैं ये सब चेक करने वाली हूँ, आपके बुक्स में देखने वाली हूँ, मैं देखने वाली हूँ कि जो जो मैंने आपको बताया वह आपने लिखा क्या, वह आपने पढ़ा क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब है यह हमारी नोटबुक, इसको तो आपने कवर किया ही होगा मैं ऐसा समझती हूँ, है ना? और यह देखिए इंडेक्स का पेज, मैंने बताया था आपको सीरियल नंबर, डेट और टाइटल, यानी हमको एक नंबर लिखना है, उसके हिसाब से हमको वो दिनांक लिखना है, और लेसन का नाम यानी पाठ का नाम लिखना है। तो हमने वर्णमाला सीखी थी, कब सीखी थी? 11 तारीख को। देखो मैंने यहाँ पे डाला है 11/6/2020, है ना? तो इसमें जो मैंने आपको लिखित कार्य दिया था वह आपने पूरा किया ही होगा, यह मैं आशा करती हूँ। वर्णमाला जिसका स्वरों और व्यंजनों का हमने लेखन 2 रेखाओं की कक्षा कापी में किया था। दिखाई दे रहा है आपको? 2 रेखाओं वाली है ये कक्षा कापी। आपको भी यही यूज़ करनी है, इसका ही आपको इस्तेमाल करना है। तो छात्रों, मैंने आपको रोली, यह पाठ्य पुस्तिका दिखाई, मैंने आपको कक्षा कापी दिखाई, लेकिन और एक बुक है, और एक हिंदी की किताब है, जिसके बारे में हमने तो कभी चर्चा ही नहीं की, तो वह बुक मैं आपको दिखा रही हूँ। यह देखिए, यह है विहान हिंदी सुलेख कक्षा पहली, यानी कक्षा 1। तो यह जो बुक है, यह जो किताब है, वह बुक आपको है आपके सुंदर हस्ताक्षर के लिए, यानी आपके गुड हैंडराइटिंग के लिए, आपका अक्षर अच्छा आए इस हिसाब से आपको ये बुक हम दे रहे हैं। तो इस बुक में आपको भी यह वर्णमाला का पृष्ठ क्रमांक 2 है वह पूरा करना है, क्योंकि हमने क्या किया, हमारी रोली में लिखा, हमारी कक्षा कापी में लिखा, सिर्फ इसमें लिखना बाकी था। यहाँ पे देखिए, वर्ण लेखन पृष्ठ क्रमांक 2।
तो छात्रों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डालनी है आज की दिनांक। आज क्या दिनांक है कौन बताएगा मुझे, बताइए। हाँ करेक्ट, आज है 13 तारीख। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 13/6/2020, ठीक है। और यहाँ पे आपको डालना है H.W. यानी HW आपको दिया गया गृह कार्य, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है अपने मन से, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपकी जो रोली यह पाठ्य पुस्तिका है उस पाठ्य पुस्तिका में देख के इसका लेखन आपको पूरा करना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, शाबाश। तो देखो छात्रों हमारा आज वर्णमाला यह लेखन पूरा हो गया, यह पाठ पूरा हो गया। तो इसके ऊपर आज मैं एक एक्टिविटी लेने वाली हूँ, एक क्रियाकलाप लेने वाली हूँ। तो तैयार है आप सब एक्टिविटी के लिए, वेरी गुड, शाबाश।